वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन एमरल्ड वर्जन, जहाँ पर हमने पिछली बार हीट पैच जीत लिया था और अब हमें जाना है कहाँ जाना है। हाँ, सही गेस किया आप लोगों ने, हम लोग को जाना है अपने डैड को हराने के लिए, नॉर्मन को। तो चलो यार चलते हैं। ओके, यहाँ से हमने नगेट भी उठा लिया है तो ओके। अब मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, डेजर्ट में तो हम लोग अब जा सकते हैं आराम से। ओके, कैकनिया मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। चलो यार अभी इन सब चीज़ों को तो छोड़ो, अभी तो सबसे पहले डैड को हराने के लिए चलते हैं। ओके, तो चलो हमें अपने पापा जी को हराने के लिए जाना है आज उनकी जिम में। मुझे तो ये भी नहीं पता उनके पोकेमॉन्स कौन कौन से हैं, मतलब इस एवटार को नहीं पता कि उनके पोकेमॉन कौन कौन है। अपन को तो पता है कि उनके पोकेमॉन्स कौन कौन से हैं। चलो देखते हैं। ओके ओके, वी आर गेटिंग क्लोज बॉयज। ओके, जल्दी जल्दी चलते हैं। यार लगता है मुझे रिपेल लेना ही पड़ेगा। ओके, हाँ 7 रिपेल हमारे पास पड़े हुए हैं, तो या फाइन आउट। ओके, अब ये पोकेमॉन्स हमें परेशान नहीं करेंगे। रिपेल का इफेक्ट भी गया, और क्या क्या बात है, वाह मज़ा आ गया। ओके, बस यहाँ पर शायद वो मिस्टर ब्राइनी खड़े होंगे, क्या नाम था उनका, हाँ ब्राइनी ही तो नाम था। ओके, नाउ माई फ्रेंड वेयर आर वी बाउंड, लेट्स गो टू ड्यूफोर्ड अंकल जी। ओके वाह, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए यार यहाँ पर। अब यहाँ से फिर हमें जाना है कहाँ पर, हाँ फिर सीधा हम लोग कहाँ पर जाएंगे, एक सेकेंड मैं भूल गया क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कम ऑन यार। ओके हाँ, कहाँ जाना है, मैं पेटलबर्ग में, हाँ तो चलो। ओके सो वी आर हेयर। ओके, सीधे अंकल जी के घर पे उतरे हम लोग। हेलो पोकेमॉन्स, हमें अपनी पहली टेलो यहीं से मिली थी और अब तो यार वो स्वैलो बन चुकी है। फ्लैशबैक्स, थोड़ा हीली पीली करवा लें क्या। ओके यप, वी आर डन। तो चलो यार जिम के अंदर चलते हैं फिर। और अंकल जी क्या हो रहा है, हे हाउ इट्स गोइंग चैंपियन बाउंड आयरन, द डोर्स इन दिस जिम ओपन व्हेन यू बीट द अवेटिंग ट्रेनर्स, ओप्स द डोर इन दिस रूम आर ऑलरेडी ओपन सो डोंट अटैक मी। ओके, द ट्रेनर्स ऑफ पेडलबर्ग जिम यूज ऑल काइंड्स ऑफ आइटम्स, द डोर एट द लेफ्ट हेड्स टू स्पीड रूम। ओके, द डोर एट द राइट लेड्स टू एक्यूरेसी रूम, द रूम नेम विल बी ऑन द डोर सो केयरफुल सो चूज केयरफुली। ओके, वंस यू चूज इन द डोर वेल हे गो फॉर इट। ओके अंकल जी थैंक यू, आप हमें अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते रहते हो, थैंक यू फॉर देट। हाँ तो एक तरफ है एक्यूरेसी रूम और एक तरफ है स्पीड रूम, फिर दोनों में से ज़रूरी क्या होता है, दोनों ही ज़रूरी होते हैं बट क्या करें हम लोग, आई प्रेफर क्या प्रेफर करें, एक्यूरेसी चलते हैं, ठीक है एक्यूरेसी चलते हैं। ये नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास फाइटिंग टाइप होना ज़रूरी है, तो फाइटिंग टाइप अटैक्स हैं क्या किसी के पास। ओके, रॉक के पास हैं रॉक स्मैश, बट यार वो किसी काम का नहीं है, रॉक स्मैश किसी काम का नहीं है। ओके ठीक है, वैसे विंग अटैक भी काम आ जाएगा, और क्या क्या आ सकता है काम। ओके देखते हैं, हाँ मतलब ठीक है काम चल जाएगा हमारा। पहले पे मैं अपने रॉक को रख लेता हूँ। इट्स प्रीटी नेस्टी व्हेन यू व्हेन एवरी अटैक लैंड्स विदाउट फेल। ओके ठीक है, डेल किटी आ रही है पहली, कोई बात नहीं हम आराम से इसे हरा देंगे।
देखा मैंने कहा था ये बहुत ही बकवास अटैक लगता है यार। एच एम सी यार ये लोग देते ही क्यों है, मतलब कम ऑन यार। उसके बदले में यार आइटम्स दे देते, मतलब जैसे कि रॉक स्मैश की जगह कोई शबल टाइप का दे देते जिससे कि हम लोग मतलब उस रॉक को तोड़ पाए, मतलब ऐसा कुछ दे सकते थे ये लोग। बट क्या करें, हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। ओके बस एक ही पोकेमोन था क्या? चलो ठीक है काम खत्म इसका। देर आर इवन सम इवन स्ट्रॉन्गर ट्रेनर्स अवेटिंग फॉर यू। द लेफ्ट इज डिफेंस रूम एंड द राइट इज रिकवरी रूम। योर पोकेमोन्स अटैक पावर विल बी ऑन ट्रायल आइदर वे। मैं तो डिफेंस के पास जाऊंगा। ओके ये तो रिकवरी है, क्योंकि यार रिकवर करने वाली यार मुझे परेशान करके रख देती हैं। मुझे क्या, सबको परेशान करके रख देते हैं। और पक्का उनके पास चांस ही होती, पक्के से कह रहा हूँ मैं ये बात। एलेक्सिया ओके। ओ यार ये भी तो मतलब वही है मतलब विगली टफ स्टील टाइप मूव्स यूज़ करेंगे इस पर तो। वाह क्या बात है, इसी बात का डर था मुझे। क्यूट चार्म, बहुत ही बकवास एबिलिटी लगती है हमें। लो यार मतलब वाह क्या बात है, क्या ही बात है मतलब। चलो ठीक है इसका तो काम तमाम हो जाएगा इससे। ओके थोड़ा सा और बचा है, चिंता मत करो आराम से हो जाएगा। कम ऑन रॉक यू कैन डू दिस, कम ऑन रॉकी रॉक। ओके प्लेयर डिफीटेड, चलो ठीक है। अब अगला रूम कौन कौन सा होगा? आई थिंक यू टॉट मी अ वैल्यूएबल लेसन हेयर, नाउ गो ऑन। द लेफ्ट डोर गोज टू स्ट्रेंथ रूम एंड राइट डोर वन हिट KO रूम। भाई इस बार तो यार मैं चैलेंज लेकर वन हिट KO रूम में जा रहा हूँ। ओके ये तो स्ट्रेंथ रूम है, ओके कोई बात नहीं, सॉरी वन हिट KO रूम हाँ इसी में। और यार गाइस अगर पीछे से कोई तुम्हें कोई साउंड आ रहा हो तो इग्नोर दैट, ओके मेरी स्वीट सी वॉइस सुनो और मजे करो। यहाँ वहाँ के साउंड पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वैसे मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं है। ओके कोई बात नहीं, अगला आ रहा है विगोरोथ, ठीक है। तो आई शुड गो फॉर आयरन टेल, ओके इफेक्टिव तो होनी चाहिए, हाँ है इफेक्टिव तो है। कम ऑन, बस यार इसकी एक्यूरेसी ही कम रहती है और कुछ नहीं, वरना आयरन टेल बहुत ही मस्त मूव है। अगर हमारे पास एस पिकाचू होता तो शायद ही काम आता, सच में आता काम। ओके ये तो गया, ठीक है भैया। और कौन आ रहा है? योर फादर रियली स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ ट्रेनर वर्थ माई रिस्पेक्ट, ओके ठीक है। एंड आई सेंस द सेम ग्लो कमिंग फ्रॉम यू एज योर फादर, यप वैसे जीन्स तो एक ही है ना। ओके तो लेट मी जस्ट हील बिकॉज अभी बस लास्ट रूम है। ओके हील करना पड़ेगा हमें, ये मैं सुपर रिपेल थिंग यूज़ करने लगा। ओके सुपर पोशंस, यप ओके वी आर ऑल हील्ड अप एंड सेव भी कर देता हूँ, क्या पता पिछली बार कोई मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, है ना। ओके जिम लीडर्स रूम, ओके सी योर सेल्फ व्हाट पोकेमोन अवेट्स यू द साइन सेज, ओके डू यू वांट टू गो थ्रू, यप पिताजी हम आ गए, तुहार बिटवा आ गया सॉरी। सो यू डिड गेट 4 जिम बैजेस, फाइन एस आई प्रोमिस्ड वी विल हैव अ पोकेमोन बैटल, यप डैडी जी लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट, आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर एज अ जिम लीडर टू विन, एंड यू वुड बेटर गिव इट योर बेस्ट शूट शॉट। ओके ठीक है पापा जी अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या है हमारे पास। पहला आ रहा है इनका स्पिंडा, कम ऑन यार रॉक यार इज्जत गवा दी यार तूने, मतलब यार डैडी जी के सामने यार तूने इज्जत गवा दी। ओके कम ऑन रॉक यू कैन डू दिस, या बॉय कम ऑन भैया हम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं। ओके कम ऑन रॉक बस एक बार और, बस एक बार और कम ऑन पापा जी, यार आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बढ़िया बट रॉक से मुझे यही उम्मीद थी, वेरी गुड रॉक बहुत बढ़िया। लेवल 34 का हो गया है, बहुत अच्छे। अगला आ रहा है स्लैकिंग, ओ तेरे स्नोरलैक्स का भांजा या पापा जो भी कह लो इसे, कुछ भी कह लो, और इसने हमारी लगा के रख दी है। कोई बात नहीं होता रहता है।
Okay. Hawk, tackle this thing. Come on. Wing attack. यार इसका तो कुछ भी नहीं हुआ यार. Okay. Come on, Hawk. अब यार ये सो ना जाए बस. अगला विगोरोथ आ रहा है, चिंता मत करो. अभी देख लेंगे उसे. लेट मी जस्ट टेक आउट गैरेडोस, क्योंकि मुझे उसकी भी ट्रेनिंग करवानी है यार. वो एक भी वाटर टाइप अटैक नहीं सीखा है, जो कि बहुत ही बेकार बात है. कम ऑन गैरेडोस. अरे भैया फसाड से हमें कुछ नहीं होने वाला. हमारे सामने फसाड मत खड़ा करो बस. वेरी गुड. ओके, और कौन बचा है? लाइनून. ये बहुत ही पसंद है मुझे, पता नहीं क्यों. बस इसलिए क्योंकि इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. ओके. अरे पप्पा जी को हमने अपना वो तो दिखाया ही नहीं यार, सेप्टाइल है ना, वो भी दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारा ट्रिको कितना बड़ा हो गया है. पप्पा जी, इट्स वन हिट किल टाइम. ओके पप्पा जी, वन हिट किल हो गए हैं. और गैरेडोस ट्विस्टर सीख गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. अब हम मुझे लगता है हमें प्रवचन सुनने को मिलेगा, बट उससे पहले बैलेंस बैच हमारा हुआ. विद दैट बैच द डिफेंस ऑफ ऑल योर पोकेमॉन विल इंक्रीज. थैंक यू पापा जी. पोकेमॉन दैट नो HM मूव सर विल बी एबल टू ट्रेवल ओवर वाटर. थैंक यू यार, मतलब सॉरी पापा. ओके, डिसिप्लिन में रहना चाहिए यार पापा के सामने. दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू. आई एम श्योरली यू कॉन्ट यूज़ इट करेक्टली. आई एम सॉरी. ओके, यू कैन यूज़ इट करेक्टली. ओके थैंक यू अंकल, मतलब पापा. क्या बोल रहा हूँ यार मैं. ओके हाँ, मुझे पता था फसाड. इट डबल्स द पावर ऑफ द मूव इफ द पोकेमॉन इज पॉइजन्ड, पैरालाइज्ड और बर्न्ड. अच्छा, मतलब ये इन्होंने ये कहा पिताजी ने हमारे, कि ये मतलब हमारे डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में चेंज कर देगा. बढ़िया. अरे ये कौन आ गया? ये पहली बार हुआ है सर जिम बैटल के बीच में. आ देयर यू आर आइन, प्लीज कम विथ मी. आई हैव समथिंग आई वॉन्ट यू टू हैव. नॉर्मन, यू डोंट माइंड डू यू? नहीं यार पापा जी माइंड नहीं करेंगे. लेट मी बोरो योर आयरन फॉर अ. यार ये अंकल है कि क्या है, मतलब मैं क्या कोई चीज़ हो रही मुझे तू बोरो कर रहे हैं अंकल जी आप. ओके देखते हैं कहाँ लेवा कर जा रहे हैं अंकल जी. ओके अंकल जी कहाँ लेवा जा रहे हो? ओके अपने घर में. ओके जस्ट फॉर ड्रैगिंग यू हेयर दिस वे. ओके नो प्रॉब्स. बट आवर वॉली इज बिकम वेरी हेल्थी सिंस वी वेंट टू वर्डन टर्फ टाउन. वाह, मतलब वाह यार, मतलब अच्छी बात है, वॉली ठीक हो रहा है. वैसे उसे हुआ क्या था? क्या पता यार. आई थिंक दैट मेड वॉली रियली हैप्पी. एक्चुअली नॉट जस्ट वॉली, इट मेड मी हिज फादर हैप्पी टू. बढ़िया अंकल जी, आप हैप्पी तो वॉली भी हैप्पी, और क्या. हैप्पी दैट ही इज गेन सच अ ग्रेट फ्रेंड एज यू. दिस इज इंट अ ब्राइव और एनीथिंग, बट I'd really like you to have this. ओ तेरी, HM3 मिल गया यार हमें, मतलब सर्फ. वाह यार, मतलब मज़ा ही आ गया. वॉली इज कमिंग होम सून, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैट. ओके अंकल जी थैंक यू यार, मैं आपसे क्या क्या बोल रहा था उसके लिए सॉरी. आई वॉन्ट यू टू कीप दिस अ सीक्रेट फ्रॉम माई हस्बैंड, बट आवर वॉली लेफ्ट. ओके, मतलब इनकी वही लाइन चल रही है अंकल जी, आंटी जी की अभी. सो गाइस, हमें मिल चुका है HM3 यानी कि सर्फ, और हमें मिल चुका है हमारा बैलेंस वेज, जो वो भी हमारे पप्पा जी से. सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड. या गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड तब तक के लिए एक मिनट, कह रहा हूँ मैं, चिंता मत करो. पीस आउट.